तो बात करते हैं अपन 24 सितंबर की न्यूज़ की. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. बात करते हैं एक, अभी ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है, हिक्का. अब ये साइक्लोन के जो नाम है वो एक्चुअली कुछ 8 कंट्रीज़ हैं, ये मिलकर के आपस में डिसाइड करती हैं कि कौन कौन से नाम अपने को देने हैं. ये साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के अंदर आते हैं तो फिर ये 8 कंट्रीज़ मिलकर के इनका डिसीजन लेती हैं. तो अगर एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि बे ऑफ बंगाल का जो पानी होता है वो ज़्यादा गर्म होता है अरेबियन सी से, इसलिए बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी. दुनिया में साइक्लोन को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हरिकेन, टोर्नेडो, विली विली. सो दीज थिंग्स यू शुड नो इट वेरी वेल कि भाई कहाँ पर कौन सा आता है, रटे हुए होने चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं उम्मीद इनिशिएटिव. उम्मीद इनिशिएटिव जो होती है एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है बच्चों के अंदर, उसकी एक इनिशिएटिव लाया गया है ताकि उन जेनेटिक डिजीज़ का क्योर किया जा सके. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इस मामले में कार्रवाई कर रहा है और क्रिएटिंग अवेयरनेस और इन दी हॉस्पिटल्स इन दी क्लिनिकल सेक्टर्स एंड ऑल. इसके लिए जो निदान इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य ये है कि जो उम्मीद इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य ये है कि निदान सेंटर्स यानी केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ पर जो आपके पास जो भी टेस्टिंग है, जो डायग्नोसिस है वो किए जा सकें ताकि इन तरह की बीमारियों को क्योर किया जा सके. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम. पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसकी अपन सर्टिफाइड उसको सर्टिफिकेशन देते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट करने लायक है, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा किया जाता है और इसमें एक इंटरनेशनल संस्था है बॉन. बॉन कहाँ है? बॉन जर्मनी के अंदर एक सिटी है, इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है आई फॉर्म. ये जो होती है क्या करती है कि अगर आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं तो उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करती है. तो इट्स ए गुड थिंग ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो सके. अब PGS की कुछ लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये है कि आपको क्या है कि कोई भी गांव है तो वहाँ पे एक ग्रुप होना चाहिए या कोई क्लस्टर होना चाहिए फार्मर्स का, तभी आप जो इस PGS स्कीम का एडवांटेज ले सकते हो. इसके अंदर कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए आपके किसी क्लस्टर के अंदर, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा, मतलब तभी सर्टिफिकेट मिलेगा. नेक्स्ट जो है इसरो जो है वो मिथेन जो है उसके ऊपर, लिक्विड ऑक्सीजन मिथेन जो है उसके ऊपर कार्य कर रहा है उस इंजन के ऊपर, क्योंकि वो पोल्यूशन कम पैदा करते हैं. मिथेन CH4 होती है जो कि एनारोबिक प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से जो है प्रोड्यूस किया जाता है. सो यू शुड नो कैन बी आस्ड. इमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है ये भी गुजरात जो है वहाँ पर इस सूरत के अंदर चलाई गई है. सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट पार्टिकुलेट मैटर जो होता है उसको आप ट्रेड कर सकते हो. ऐसा कुछ दुनिया का पहला सा मार्केट है ये. सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ऑल्सो बट नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल. नेक्स्ट अपन चलते हैं ब्लैक कार्बन के ऊपर. अगर ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक कार्बन का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्यूल, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, चाहे बायोफ्यूल हो या बायोमास हो, ऐसा फ्यूल जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ है, आधा अधूरा ही बर्न हुआ है, उसको अपन कहते हैं प्योर कार्बन. ये प्योर कार्बन जो होता है आगे जाकर के ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए ब्लैक कार्बन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल एंड एज वेल एज़ फॉर द क्लाइमेट. अभी नेक्स्ट चलते हैं. मोदी जी गए थे एक ग्लोबल क्लाइमेट समिट के अंदर जहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारा टारगेट है 450 GW प्रोड्यूस करना यूजिंग द नॉन फॉसिल फ्यूल, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इंडिया ने जो है क्लाइमेट एक्शन समिट जो है तो 2015 को साइन किया हुआ है और हमारा टारगेट है पूरे वर्ल्ड का कि 2 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. हमारा टारगेट है 2 डिग्री, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा हमारा ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े. इसके अलावा हमें इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया को रिसर्च सेक्टर के ऊपर काम करना होगा. इसके अलावा इंडिया को पॉलिसीज़ ऐसे एक्ट या फिर इस तरह की चीज़ें लानी पड़ेगी जिससे जो कार्बन है उसको कम किया जा सके. इसके अलावा नेचुरल गैस है उसको भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. सो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन जो ये टेक्नोलॉजी है ये IAS में पूछी गई है. नेक्स्ट चलते हैं नामदाफा. नामदाफा जो है वो एक आपका टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश को द लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे एक राइस फ्रॉग करके कुछ प्रजाति है, दैट्स शो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं शंडोल जो करके डांस होता है जो कि रॉयल डांस होता है आपके लद्दाख रीजन के अंदर. अभी इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर डाला गया है, इट्स इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से कोई भी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है और वो सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं होती है.
नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का जो साइन लैंग्वेज का जो सेंटर है वो बेसिकली 2015 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस के अंदर, सोशल जस्टिस के अंदर, तो इट्स वेरी लेट, इतना लेट क्यों बनाया गया वी डोंट नो। नेक्स्ट चलते हैं एनवायरनमेंट क्यूज के ऊपर, या दीज आर द फैक्टर्स, ये इतने फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, हमारे आसपास की कंडीशंस को प्रभावित करते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप जैसे जैसे देखिए, अगर आप प्लेन से माउंटेन की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि माउंटेन्स पे टेम्परेचर जनरली ठंडा ही रहता है। मैंगो ट्रीज जो होते हैं वो टेम्परेट काउंट्रीज़ में नहीं उगाए जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूरीथर्मल, एक होता है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब जो है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जंतु जो हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेनोथर्मल होते हैं ये कम रेंज के जो टेम्परेचर होते हैं उन्हीं को सहन कर सकते हैं। फ्रेश वाटर जो होता है, एनिमल जो होते हैं समुद्र में ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, एसिडिफिकेशन की बात करें तो जो समुद्र का पानी जो है वो एसिड ज़्यादा हो जाता है उसमें, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन कंटेंट एंड बिकॉज ऑफ द कार्बन कंटेंट। तो एसिड इसलिए बढ़ता है बिकॉज ऑफ द कार्बन, नॉट बिकॉज ऑफ द एसिड इटसेल्फ। अगर नाइट्रोजन कंटेंट अगर बढ़ जाता है या नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं तो कोरल की संख्या की बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। सी ग्रास जो होती है वो सी ग्रास क्या करती है कि जो एसिडिफिकेशन होता है उसको कम करने का भी प्रयास करती है या कम कर सकती है, सी ग्रास में ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन लेयर की वजह से क्या क्या नुकसान है, वी ऑलरेडी नो, वी डोंट नीड टू कवर, इज कॉमन सेंस। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स, ये अभी जो है हाल ही के अंदर सीबीसी ने बनाया है इसको, ध्यान रखना, नॉट आरबीआई ने इसको नहीं बनाया, सीबीसी ने बनाया है, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी करेगी और इसके अलावा जो पॉलिसी बनाने में भी मदद करेगी आरबीआई की। तो ये एक सीबीसी का ग्रुप है, ये सीबीसी ग्रुप क्या करेगा कि जो 50 करोड़ है उससे ज़्यादा के जो फ्राड हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा और या उसमें जराये देगा। विक्रम साराभाई की अपन बात करें तो अभी हाल ही के अंदर इसरो ने, ध्यान रखना, इसरो ने एक अवार्ड घोषित किया है जर्नलिस्ट के लिए, ताकि जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया जा सके। कलाम जो मिसाइल मैन है वो कलाम को कहते हैं अपन, ध्यान रखना। और विक्रम साराभाई जो थे उन्होंने हमारे देश के अंदर जो केबल टीवी है उसको लाने का प्रयास किया था। विक्रम साराभाई ने पहली बार जो रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था रॉकेट स्टेशन तुम्बा के अंदर, केरला के आसपास। इसके अलावा केबल टीवी लाने का प्रयास उन्होंने किया था। उसके अलावा आर्यभट्ट जो है उन्होंने उस मिशन के अंदर मास्टरमाइंड थे वो, और IIM अहमदाबाद जो थे उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए थे। स्टबल बर्निंग की बात करें तो 2016 से लगा करके 2018 तक कम हुआ है ये, इट इज़ डिक्रीजिंग, इट्स वेरी गुड। स्टबल बर्निंग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, हालांकि ये वीड जो होता है उसके अंदर कोई मदद नहीं करता है कि भाई वीड का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इट डज़ नॉट, यू नो, इसमें हालांकि लिखा हुआ भी कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट, आई थिंक एडवांटेज इसका ये है कि ये वीड किलिंग में मदद करता है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो एडवांटेज जो है आपको ध्यान में होने चाहिए इसके, स्टबल बर्निंग के, कि ये क्या क्या कर सकता है। सो शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था, बट यू नीड टू रेक्टिफाई और रीड इट। नेक्स्ट चलते हैं, GEO रिपोर्ट, GEO मीन्स ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये GEO रिपोर्ट जो है बेसिकली 2 सालों में एक बार रिलीज़ की जाती है, और यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, तो ये एनवायरनमेंट के बारे में, ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट के बारे में ये कार्य करता है। इसको पहली बार 1997 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अपन G20 की ओर चलते हैं। G20 जो है अभी हाल ही के अंदर जापान के अंदर हुई थी, जापान ने इसको पहली बार होस्ट किया था, फर्स्ट टाइम, और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो G20 समिट होता है इसके अंदर क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक के साथ साथ में एनवायरनमेंट या ग्लोबल इकोनॉमी इन सब के बारे में भी चर्चा की जाती है। इंडिया ने इसको 2002 में होस्ट किया था, अगली बार ये 2022 में इसको होस्ट करेगा, इंडिया G20 समिट को। नेक्स्ट चलते हैं, टाइगर ट्रम्प एक एक्सरसाइज होती है मिलिट्री की, जो कि आपकी इंडिया और US जो उसके बीच में की रही जाएगी। शंडोल एक डांस होता है जो कि आपके लद्दाख रीजन के अंदर होता है, ये आपके रॉयल डांस है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नारोपा फेस्टिवल या नरोपा फेस्टिवल जो होता है 12 सालों में एक बार होता है, ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा या उनके अंडर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द्रुकपा, द्रुकपा जो है ये तिब्बतन बुद्धिज़्म होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद हेमिस जो मॉनेस्ट्री है, हेमिस मॉनेस्ट्री जो है वो एक्चुअली आपकी हिमाचल बुद्धिस्ट जो है उसके अंदर आती है। तो यू शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सो नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो एक्चुअली आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई थी, IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ की ओर,
डेकेनियल जो सेंसस होती है वो 10 साल में एक बार करवाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल के वहाँ पे। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने के लिए करवाई जाती है। इस्पात इरादा जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील नाम से पता चलता है इस्पात का क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे अपन काफ़ी फेमस स्कीम है ये, और ये 50 करोड़ या उससे ज़्यादा गरीब लोग जो उनको मदद करेगी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में, प्राइमरी में हेल्प कुछ नहीं करेगा, और ये कैशलेस और पेपरलेस होती है ऑब्वियस बात है। सो दिस इज़ हाउ द न्यूज़ फिनिश। थैंक यू।